डियर स्टूडेंट्स, आज अपना लेसन ऑन द फेस ऑफ इट नेक्स्ट टॉपिक में वी स्टार्ट आवर लेसन लाइन टू लाइन। देखते हैं आगे। ऑन द फेस ऑफ इट आपको पूरी सुशांत हिल साहब ने जो लिखा है इसमें, हमने देखा है इसकी समरी बिफोर अपना इस लेसन। दिस इज ए प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। हम देखते हैं दिस इज ए प्ले, यह एक नाटक है। फीचरिंग का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट। द मीनिंग ऑफ फीचरिंग का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इसका मतलब हुआ इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए, दिस इज ए प्ले फीचरिंग एन, यह नाटक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट को बतला रहा है किसका, एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय। मीटिंग, इनकी मीटिंग होती है, कहाँ होती है, इन द फार्मर्स गार्डन। द मीनिंग्स ऑफ फार्मर, पहले वाला गार्डन आप लिखेंगे इसका अर्थ हो अर्लियर टाइम गार्डन। द मीनिंग ऑफ फार्मर लिख सकते हैं अर्लियर, है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं इसका मतलब अर्लियर टाइम, पहले वाला जो है वो अर्लियर, पहले वाले बगीचे में इनकी मीटिंग होती है, वहाँ पर गार्डन में। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स, द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक्स है ना, स्ट्राइक्स लिखेंगे टू स्टार्ट शुरू होती है, टू स्टार्ट है ना, शुरू होना, टू स्टार्ट माने शुरू होना। द ओल्ड मैन शुरू करता है ए फ्रेंडशिप, एक दोस्ती शुरू करता है विथ द बॉय, बच्चे के साथ में, हु इज वेरी विड्रॉन का या जो मतलब होगा गुमसुम, इट मीन डोंट वॉन्टिंग टू टॉक विथ एनी वन, किसी के साथ वो बात करना चाहता नहीं है। नॉट वॉन्टिंग, इसका मतलब क्या लेंगे, विड्रॉन का नॉट वॉन्टिंग, नहीं चाहता है, नॉट वॉन्टिंग, नहीं चाहता है टू टॉक, बात करना, वह किसी से बात करना चाहता नहीं है, विड्रॉन, वह बात करना नहीं चाहता है, ठीक है। एंड डिफेंड, द मीनिंग ऑफ डिफेंड का इसका अर्थ लेंगे अपन डिफेंड, आज्ञा का, डिफेंड का मतलब होगा हमारे यहाँ पर है ना, जो डिफेंड लिखा हुआ है इसका अपन अर्थ लिखेंगे ओपनली रिफ्यूजिंग टू ऑबे, स्पष्ट मना बोलना, ओपनली रिफ्यूजिंग, या लिखेंगे ओपनली, एकदम मना बोलना, ओपनली रिफ्यूजिंग टू ऑबे, एकदम किसी को बोलने का मना बोलना। वॉट इज बॉन्ड, समझ गए आप, क्यों डिफेंड यानी इसका मतलब क्या, डिफेंड का ओपनली रिफ्यूजिंग, एकदम मना बोलना, तो ऐसा लड़का है वो, कैसा लड़का है, डिफेंड, स्पष्ट मना बोलने वाला। वॉट इज, क्या है, द बॉन्ड माने बंधन, डेट जो यूनाइट्स बांधता है, यूनाइट्स माने बांधना, जो बांधता है द टू, इन दोनों से, और यही हमारे को क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, ऐसा दोनों में क्या है जिसकी वजह से वो उनको हमेशा बांध रहा है। अगेन रिपीट करते हैं, दिस इज ए प्ले, यह एक ऐसा नाटक है, फीचरिंग महत्वपूर्ण भाग कहता है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी का, एंड ए स्मॉल बॉय एक छोटे बच्चे का, मीटिंग उनका मिलना होता है इन द फार्मर्स गार्डन, मीन्स अर्लियर टाइम, पुराने वाले बगीचे में उनकी मीटिंग होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स माने टू स्टार्ट, बूढ़ा आदमी शुरू करता है ए फ्रेंडशिप, एक दोस्ती विद द बॉय, उस बच्चे के साथ में, हु इज वेरी विड्रॉन, क्या लिखा है मैंने विड्रॉन का, नॉट वॉन्टिंग टू टॉक, जो किसी के साथ बात करना चाहता नहीं है।
और वह कैसा है, एक तो गुमसुम है एंड डिफेंड, इमीडिएट किसी बात को मना कर जाता है, ओपनली रिफ्यूजिंग टू ऑबे, किसी की बात मानता नहीं है। वॉट इज द बॉन्ड, कौन सा बंधन है, दैट यूनाइट्स, जो बांधता है, द टू, ऐसा कौन सा बंधन है वो दोनों को बांधे रखता है, वो अपन देख। यस, सीन नंबर वन, पहला दृश्य यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो देखेंगे। मिस्टर लैम्स गार्डन, श्रीमान लैम का बगीचा है। डेयरीज, वहाँ पर ओकेजनल, समय समय पर साउंड, आवाज आती है, ऑफ बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के गीत की। एंड और ऑफ ट्री लीव्स, वृक्षों की जो पत्तियां है उनके सरसराहट के, रस्टलिंग का मतलब रबिंग ऑफ लीव्स, यू कैन राइट रबिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का रबिंग, रबिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों आपस में जो मिलती हैं, वी कैन से दैट वहाँ पर बगीचे में किसकी आवाज़ आती है, एक तो आती है बर्ड सॉन्ग की, एंड ऑफ ट्री लीव्स, वृक्ष के पत्तियों की रस्टलिंग, जो आपस में रगड़ रही है, यानी पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ आती है। डेयरी फुट स्टेप, डेयरी के कदम आर हियर्ड, सुनाई देते हैं, एज ज्यों ही वॉक्स, वह चलता है, स्लोली धीरे धीरे, एंड टेंटिवली सतर्कता से, अलर्टनेस, टेंटिवली माने सतर्कता से वह चलता है, थ्रू से द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास पर वह सतर्कता से एम स्लोली स्लोली चलता है, तब उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ही पोजेज, द मीनिंग ऑफ वो स्टॉप, वह रुकता है, देन वॉक्स, फिर चलता है, ऑन अगेन, दोबारा। ही कम्स, वह आता है, राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेज, बुशेज माने झाड़ी, वह एक झाड़ी की ओट में आता है, सो दैट, ताकि वहन, वह झाड़ी की ओट में आता है, ताकि वहन, जब मिस्टर लैम स्पीक्स, श्रीमान लैम बोलते हैं टू हिम उसको, ही क्लोज एट हैंड, क्लोज एट हैंड माने बिल्कुल नज़दीक। डेयरी इज स्टार्ट, वह एकदम उसमें छौकन्ना हो जाए, स्टार्ट है ना, वो यहाँ पर कैसा हो जाता है, छौकन्ना हो जाता है, ठीक है, इनको सुनने के बाद में यहाँ वो एकदम कैसा हो जाता है, स्टार्टल, स्टार्टल क्या होता है, सरप्राइज्ड, उसने देखा कि मैं यहाँ था, कौन आया, सरप्राइज, एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज हो जाता है, किस कंडीशन में, जब वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओट के पीछे आ जाता है, और जब लैम बोलता है उस समय उसको मालूम नहीं कि लैम है, ही इज क्लोज एट हैंड, पास में होता है, एंड डेयरी इज स्टार्टल्ड, और वह एकदम सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर कौन है, ऐसी स्थिति में, क्लियर। तो फर्स्ट सीन है उनका, वहाँ पर एंट्री होती है, और वहाँ धीरे धीरे चलता है, और किस प्रकार से धीरे धीरे चलने पर, चौकन्ने चलने पर, और वहाँ उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ये किसकी आवाज़ आई, इमीडिएट वो सोचने लगता है। नेक्स्ट, मिस्टर लैम, स्टार्ट में जो इनका वार्तालाप होते हैं, संवाद होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कौन आते हैं, हमारे मिस्टर लैम कहते हैं, माइंड द एप्पल, क्या आपको सेवों की इच्छा है, यहाँ माइंड से हमारा मतलब विलिंग्स, लिखो विलिंग माने इच्छा, विलिंग, आपको किसकी, विलिंग माने विलिंग, इच्छा, चाहत, आपको क्या चाहिए, माइंड द एप्पल, क्या आपको एप्पल की इच्छा है, उसी से मैं डेयरी बोला, डेयरी को तो मालूम ही नहीं मैं कहाँ आया, शायद मुझे कोई देखता ही नहीं होगा, तो बोला वॉट, क्या, हु इज दैट, वो कौन है, हु इज देयर, यहाँ पर कौन है, तभी मिस्टर लैम बोलते हैं, लैम्स माई नेम, वॉट्स माई नेम, ओल्ड मैन बोलते हैं, माई नेम इज लैम, लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, आपकी इच्छा सेव लेने की है, क्रैब एप्पल्स 2000, हियर इज मीनिंग क्रैब, क्रैब को समझेंगे अपन, क्रैब है ना, क्रैब, क्रैब का मतलब आप कह सकते हो स्मॉल, छोटे छोटे,
साउर, खट्टे, साउर माने खट्टे, हार्ड, कठोर, हार्ड HARD, हार्ड माने कठोर। सब क्रैब, क्रैब का मतलब कठोर, सोटे और खट्टे। एप्पल्स 2000, देखो ये जो है ना एप्पल्स, वो कैसे हैं, क्रैब है। एक बार कौन समझ ले, क्रैब का मतलब होगा हार्ड, क्रैब को समझेंगे आप, हार्ड स्मॉल और सावर, तो सख्त हैं, छोटे छोटे हैं और खट्टे हैं। क्या आपको वो वहाँ पर पड़े हैं? विंड फॉल्स, हवा से गिरे हैं। विंड फॉल माने हवा से गिरे हैं। इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में गिरे हैं। यू कुड ट्रिप, ट्रिप से आप यहाँ पर समझते हैं, यू कुड ट्रिप, आप उनको ले सकते हो। ये जो है ना, इनको आप आराम से ले सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ट्रिप, यू कुड ट्रिप, ये जो शब्द है ना ट्रिप, यू कुड ट्रिप यानी हिट विथ, पैरों से टकराना, आप इनसे टकरा सकते हो। इतने यहाँ पर फल गिरे हैं, एप्पल्स गिरे हैं, जिनसे आप यहाँ पर टकरा सकते हो। लिखिए आप, ट्रिप का मतलब पैर से टकराना, हिट समथिंग, हिट समथिंग, पैर से टकराना। हो गया क्लियर? वापस देख दें, मिस्टर लैम्स माई नेम, मेरा नाम मिस्टर लैम है, माइंड द एप्पल्स। क्या आपको एप्पल्स आइए, क्रेब सोटे हार्ड और वो है एप्पल्स 2000, वो सेब है। विंड फॉल गिरे हैं, इन द लॉन्ग ग्रास लंबी घास में, यू कुड ट्रिप और आप उनसे पैरों से टकरा भी सकते हो। डेरी बोला, आई मैं, देयर यहाँ पर, आई थॉट, थॉट बना थिंग से, मैंने तो सोचा था, दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, ये 100% कैसा स्थान है, खाली स्थान है। आई डिडंट नो, मैं तो नहीं जानता था, देयर वाज एनीबडी हियर, मैंने समझा यहाँ कोई नहीं होगा। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, देयर वाज एनीबडी हियर, कि यहाँ पर कोई है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, देखिए हमारे सामने एक यहाँ पर प्रश्न भी उन्होंने बनाया है ना, यहाँ देखो, वो बाद में हमें, वी हैव टू रिप्लाई आफ्टर दिस पैरेग्राफ। यूँ क्या है हमारा, हम पढ़ते हैं, हु इज मिस्टर लैम, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, और वो उनके बगीचे में कैसे डेरी आया है, इसको अपन पढ़ने के बाद में लेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट की बात चलते हैं अपन। तभी मिस्टर लैम कहते हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस बात से डरते हो, बॉय लड़के, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डेरी बोल रहा है, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज एम्प्टी, ये तो पूरा सुनसान है, एन एम्प्टी हाउस, एक सुनसान घर, एक खाली घर। मिस्टर लैम बोले, सो इट इज, हाँ ऐसा ही है, सिंस, जब से आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब से मैं बगीचे से बाहर हूँ, इट इज एम्प्टी, ये खाली है, अनटिल, जब तक आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वापस जाऊँगा ना, तब तक ये खाली है। इन द मेन टाइम, मध्य वाले समय में, मुख्य समय में, आई एम हियर, आई एम आउट हियर, मैं बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और पसंद करता हूँ रुकने का। ए डे लाइक दिस, इस जैसे दिवस को, ब्यूटीफुल डे, बड़ा सुंदर दिवस है, नॉट ए डे टू बी इनडोर, इनडोर माने अंदर की ओर, ऐसा अंदर इतना अच्छा शुभ दिन नहीं हो सकता, इसलिए आज बाहर ही हूँ। डेरी पैनिक है ना, पैनिक, पैनिक का मतलब अलार्म, चौकन्ना है ना, समझ, अलार्म, घबराहट है ना, अलार्म, अलार्म, पैनिक माने अलार्म, चौकन्ना, घबराहट, डेरी को घबराहट होती है, और वो क्या कहता है अपने आप को, आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू गो, मुझे भी अंदर जाना है। मिस्टर लैम ने कहा, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण नहीं, आई डोंट माइंड, मैं कोई दिमाग में लेता नहीं हूँ, हु कम्स इन टू, कौन अंदर आया, द गार्डन माने बगीचे में, कौन बगीचे में आया,
मैं कोई दिमाग में लेता नहीं हूँ। द गेट्स ऑलवेज ओपन, इस गार्डन का जो गेट है वो हमेशा खुला है। ओनली यू क्लाइम्ड, क्लाइम माने चढ़ना, केवल तुम ही चढ़े हो। द गार्डन वॉल, इस गार्डन की जो वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर केवल आप ही चढ़े हो। डेरी, अगेन डेरी, डेरी, एंग्री, नाराज होके बोलता है। यू आर वॉचिंग मी, आप मेरे को देख रहे थे। मिस्टर लैम ने कहा, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था। बट द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सभी आ सकते हैं। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत। आई सीट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग, स्टील मैंने चुराना, मैं यहाँ पर कोई भी वस्तु चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स, द यंग लैड्स, लैड्स माने बच्चे, बॉयज, एल ए डी लैड माने बॉय। उसी समय छोटा सा बच्चा बोला, नो नो, नहीं, द यंग लैड्स, छोटे बच्चे। मिस्टर लैम कह रहे, नो नो, नहीं, द यंग लैड्स, छोटे छोटे बच्चे स्टिल चुराते हैं, छोटे बच्चे कभी चुराते नहीं हैं। स्क्रम्स द एप्पल, स्क्रम्स माने टू टेक एंजॉय, वो तो आनंद लेते हैं। टू टेक एंजॉय, स्क्रम्स आनंद, छोटे क्या करते हैं। नो नो, नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टिल, छोटे बच्चे नहीं नहीं चुराते नहीं हैं। नो नो, नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टिल, छोटे बच्चे चुराते हैं। स्क्रम्स द एप्पल्स, और उन एप्पल का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, यानी मिस्टर लैम ने कहा कि छोटे बच्चे हैं ना वो चुराते हैं, तुम तो बड़े बच्चे हो, तुम चुराने वाले नहीं हो। क्योंकि डेरी ने यहाँ पर बोला था ना, आई एम नॉट, आई हैड नॉट कम टू स्टील समथिंग, मैं कोई चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम ने बोला, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, छोटे बच्चे होते ना वो चुराते हैं। स्क्रम्स द एप्पल्स, और वो उन सेवाओं का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, वो सेवाओं का आनंद लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी यहाँ कहता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो अंदर आई जस्ट, मैं अभी भी वॉन्टेड चाहता था, टू कम इन, अंदर आना, इन टू द गार्डन, बगीचे में। मिस्टर लैम बोले, सो यू डिड, आपने कर दिया। हियर वी आर, हम यहाँ हैं। देन माने तब, डेरी बोला, यू डोंट नो हु आई एम, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम बोले, ए बॉय, तुम एक लड़के हो, 13 और सो, 13 वर्ष के आसपास हो। डेरी बोला, 14, मैं 13 साल का नहीं हूँ, 14 का हूँ। पोज, थोड़ा रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मेरे को जाना होगा। गुड बाय, अलविदा, मुझे यहाँ से। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड, मत डरो, ऑफ जस्ट ए गार्डन, बगीचे में, जस्ट मी, मेरे से। डेरी बोला, बट आई एम नॉट, मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ। पोज, रुक जाता है। पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम बोले, वाई शुड डैट बी, ऐसा कैसे हो सकते हैं। डेरी ने कहा, एवरी वन इज, प्रत्येक, इट डजेंट मैटर, ये कोई वक्त नहीं रखता है। हु दे आर, वो कौन है, और वॉट दे से, वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड क्या होता है, बहाना बनाना, है ना, वो कैसे बहाना बनाते हैं। हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कैन सी, मैं सब समझ सकता हूँ, मैं सब देखता हूँ। मिस्टर लैम बोले, सी वॉट, क्या आप देख सकते हो, क्या समझ सकते हो। डेरी बोला, वॉट दे थिंक, जो लोग बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं, वो सब मुझे मालूम है। मिस्टर लैम ने कहा, वॉट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं,
देन माने तब, तो इसका वो क्या सोचते हैं, क्या सोच डेरी यू थिंक, आप सोचते हो, हे रिजे बॉय यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी आप मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस फिर आप मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक आप सोचते हो दैट इज बैड वह तो बहुत ख़राब है, दैट्स ए टेरिबल थिंग भयानक चीज़ है, टेरिबल माना भयानक है ना, टेरिबल का मतलब क्या होगा भयानक, ये तो भयानक है, दैट्स द अगलीस्ट 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 ये तो बड़ा बद्दा कुरूप थिंग माने वस्तु है, आई एवर सा मैं भी कभी देखता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, पुअर बॉय बेचारा लड़का बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, नॉट पुअर मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, अंडरनेथ मन ही मन यू आर एफ्रेड तुम मन ही मन अंदर से डर जाते हो, एनी बडी वुड बी हर एक डरेगा, आई एम मे बी वेन आई लुक जब मैं देखता हूँ इन द मिरर दर्पण में, एंड सी इट और जब देखता हूँ उसको, आई एम एफ्रेड ऑफ मी मैं भी स्वयं मेरे से डर जाता हूँ, क्या आप मुझे आपका हाथ देंगे सहारा दे डेरी वॉट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, आपने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, पीपुल ऑलवेज डू दैट लोग ऐसा ही करते हैं, Why don't you ask me? तुम मुझे क्यों नहीं पूछते हो, Why do you do what they all do? आप भी ऐसा क्यों करते हो जैसे दूसरे लोग करते हैं, And pretend और बहाना बनाते हो, Pretend का मतलब क्या हुआ बहाना बनाना, और आप क्या बहाना बनाते हो, It isn't true यह सत्य नहीं है, And isn't there के यहाँ पर नहीं है, In case इस मामले में, I see मैं देखता हूँ, यू लुकिंग आपको देखता हूँ, एंड माइंड और बुरा लगता है, एंड गेट अपसेट और अपने आप में अपसेट हो जाते हो, आई शैल टेल मैं बतलाऊंगा, यू डोंट आस्क मी तुम मुझे नहीं पूछते हो, बिकॉज यू आर एफ्रेड टू आप मेरे से डर गए हैं, लैम बोला यू वॉन्ट मी टू आस्क तुम मेरे को पूछना चाहते हो, एनी से सो कहो देन तब, डेरी बोला I don't like being with people. मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ. Any people, किसी लोगों के साथ में. Mr. Lamb, I should say, मुझे कहना चाहिए. To look at it, इसकी ओर देखना चाहिए. I should say, मुझे कहना चाहिए. You got burned. आप जले हो in a fire. आप एक आग से जले हो, उसने बोला आप एक आग से जले हो, डेरी नॉट इन ए फायर आग से नहीं जला हूं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन मेरे पे एसिड गिरा था, डेट साइड ऑफ माई फेस मेरे चेहरे पर, एंड इट बर्न्ड इस एसिड ने जला दिया, इट ऑल अवे सब दूर भगा दिया, इट एट माई फेस इसने मेरा चेहरा खा लिया, किसने एसिड ने, इट एट मी अप उसने मुझे भी खा लिया, एंड नाउ और अब इट इज लाइक दिस ये उनके जैसा है, एंड इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट अब कोई यह बदलने वाला नहीं है, उन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई बदलने वाला नहीं है, इस तरह से इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, वो कि मैं डर रहा हूँ आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन जो लैम्ब है वो अच्छा, मिस्टर लैम्ब नो डैडी आरंट यू इंटरेस्टेड क्या आपको इसमें कोई रुचि नहीं है, मिस्टर लैम्ब यू आर ए बॉय तुम लड़के हो, हु केम इन टू द गार्डन आप बगीचे में आए, प्लेंटी डू प्लेंटी माने पर्याप्त, एनफ आप खूब करो, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी मेरे को हरेक में रुचि है, एनीथिंग किसी भी चीज़ में, देर इज नथिंग गॉड
देर इज नथिंग, या ऐसा कोई नहीं है, भगवान ने मीडमा ने बनाया, दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान ने बनाई है और मुझे उसमें रुचि नहीं है। लुक, देखो, ओवर देयर, वहाँ पर, ओवर बिसाइड द फार, उसके ऊपर दीवार के, ओवर बिसाइड द फार वॉल, फार माने दूर, वॉल माने दीवार, दूर दीवार है ना, उसके पास में देखो, वॉट कैन यू सी, तुम्हें वहाँ क्या दिखता है। डेरी बोला, रबिश, मुझे वहाँ कचरा दिखता है, रबिश माने कचरा। मिस्टर लैम, रबिश, कचरा, लुक, देखो, बॉय, लुक, देखो, वॉट डू यू सी, आपको क्या दिखता है। डेरी, जस्ट ग्रास, घास है, एंड स्टफ, स्टफ, वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, है ना, वहाँ पर क्या है, खरपतवार है, एक प्रकार की वहाँ पर बहुत सारी खरपतवार है। स्टफ माने बेकार की चीज़ें, वहाँ पर जस्ट ग्रास, घास है, स्टफ माने बेकार की चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, वीड्स माने खरपतवार। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स, उनको कोई तो खरपतवार कहते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो, देन, तब, ए वीड, एक खरपतवार, गार्डन, बगीचा, डेट, जो, देयर फ्रूट्स, उनके फल, एंड देयर आर फ्लावर्स, और उनके फूल, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ट्रीज का मतलब वृक्ष, एंड हर्ब्स माने औषधीय गुण वाले पौधे, ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के, ऑल सॉर्ट माने बट ओवर देयर वीड्स, वहाँ पर खरपतवार है, आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर इनको उगाता हूँ, किनको, खरपतवार को, एंड एनोदर फ्लावर, और दूसरे, आई दोबारा देखें, आई ग्रो वीड्स देयर, मैं खरपतवार उगाता हूँ, वाई इज वन ग्रीन, हर एक हरा क्यों है, ग्रोइंग प्लांट, बढ़ता हुआ पौधा, कॉल्ड ए वीड, जो पौधा उगता है, जो बढ़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। एंड एनोदर फ्लावर, दूसरा फूल, वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है, इट्स ऑल लाइफ, यही तो पूरा जीवन है, ग्रोइंग, उत्पन्न होना, बढ़ना, सेम एज यू एंड मी, जैसा आप और मैं हूँ। डेरी, वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं, सेम माने एक जैसे। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, तुम छोटे हो, यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा जो चेहरा है ना, वो तुम्हारा चेहरा कैसा है, बर्न फेस, जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट ए टीन बैग, और जो मेरे है ना, वो क्या है, टीन बैग है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यह कोई महत्व नहीं रखता है, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज डिफरेंस, अंतर कहाँ है। डेरी, वाई हैव यू गॉट ए टीन लैग, डेरी ने कहा, आपके ये टीन का पैर क्यों है, इसकी क्या रीजन है, वॉट इज द रीजन ऑफ ए टीन लैग यू हैव, आप जो टीन लैग है, क्या इसका, वाई। मिस्टर लैम बोले, रियल, वास्तव में, वन गॉट ब्लॉन ऑफ, ब्लॉन ऑफ, धमाका होना, वन, रियल माने वास्तव में, वन गॉट ब्लॉन माने धमाका ऑफ, एक बार धमाका हुआ था, ईयर्स बैक, वर्षों पहले, एक बार क्या हुआ था, रियल, वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, वर्षों पहले एक धमाके में ये पैर है वो यहाँ से, लैमी लैम, सम किड से, यहाँ लिखेंगे अपन, लैमी लैम, लंगड़े लैम, लैमी लैम यानी मेरे को लंगड़ा लैम क्या के पुकारते हैं, सम किड्स, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, लंगड़े लैम नाम से मुझे लंगड़ा लंगड़ा भी करते हैं। हैवंट यू हियर देम, क्या आपने कभी सुना नहीं, यू विल, लैमी लैम, तुम सुनोगे, लैमी लैम आप भी सुनोगे, इट फिट्स, और बात भी सही है, मेरे लिए बराबर है, डजंट ट्रबल मी, लेकिन मुझे कोई परेशानी से नहीं होती है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, पुट ऑन का मतलब ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, ध्यान देंगे,
पुट ऑन यह आपकी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। पुट ऑन माने कपड़े पहनना, आप पहन सकते हो ट्राउजर्स, आप पजामा पहन सकते हो, एंड कवर इट अप इसको ढक सकते हो, एंड नो वन सी फिर कोई नहीं देखेगा, दे डोंट हैव टू नोटिस वो देखेंगे नहीं, एंड स्टेयर और घूर घूर के नहीं देखेंगे। मिस्टर लैम बोले सम डू कुछ करते हैं, सम डोंट कुछ नहीं करते हैं, दे गेट टायर्ड वो थक चुके हैं ऑफ इट इससे, इन द एंड अंत में, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग यहाँ बहुत सारी दूसरी वस्तु है, प्लेंटी माने पर्याप्त, एनफ यहाँ बहुत सारी पर्याप्त वस्तु हैं, ऑफ अदर थिंग्स दूसरी वस्तु है, टू स्टेप घूरने के लिए, यानी उन्होंने बोला यस यहाँ पर बहुत सारी दूसरी वस्तु है जिन पर वो घूर के देख सकते हैं। डेरी लाइक माई फेस, हाँ बिल्कुल सही है, जैसे मेरा चेहरा देख सकते हैं। लैम लाइक क्रैब एप्पल वही हार्ड स्मॉल एंड साउर छोटी कठिन और कठोर, एप्पल और द वीड्स और खरपतवार, और स्पाइडर क्लाइमिंग मकड़े का चढ़ना, ये सब देख सकते हैं। स्पाइडर माने मकड़ा, क्लाइमिंग माने चढ़ना। अप ए सिल्कन लैडर, सिल्कन लैडर माने जो कीड़ा है ना रेशम का जो जाल बुनता है उनको बोलते हैं सिल्कन लैडर, उनको देख सकते हैं। और माई या फिर मेरे टॉल लंबे लंबे सनफ्लावर सूर्यमुखी के फूल। डेरी थिंग्स वस्तुएं, मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव ये सभी है ना तुलनात्मक है, रिलेटिव का मतलब है तुलनात्मक, तुलनात्मक इट इज ऑल रिलेटिव ये सभी तुलनात्मक है। ब्यूटी एंड बीस्ट, ब्यूटी माने सुंदरता और ब्यूटी माने जंगल के जंगली जानवर। इट्स ऑल रिलेटिव ये सभी तुलनात्मक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट सुंदरता और जंगली जानवर। डेरी व्हाट्स दैट सपोर्ट टू मीन आपका कहने का मतलब क्या है। मिस्टर लैम यू टेल मी तुम मुझे बतलाओ, यू टेल मी तुम मुझे बतलाते हो। डेरी यू नीडंट थिंक आपको सोचना नहीं है, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, यू नीडंट थिंक आपको नहीं सोचना है, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी मुझे सब बताया है। दैट फेरी स्टोरी परियों की, फेरी माने परियों की कहानी, बिफोर माने पहले, इट्स नॉट ये नहीं है वॉट यू लुक लाइक जैसे आप दिखते हो, इट्स ऐसा है, इट्स वॉट यू आर इनसाइड आप अंदर से कैसे हो, इट्स वॉट यू आर इनसाइड अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एन हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम माने सुंदरता, इज एज हैंडसम इतनी सुंदरता है, सुंदरता वह सुंदरता है। डज ब्यूटी लव सुंदरता प्रेम करती है किसे, द मॉन्स्ट्रस दैत्य बिस्ट माने जंगली जानवर, बिस्ट माने हुआ जंगली जानवर और मॉन्स्टर्स का मतलब हुआ दैत्याकार। ब्यूटी लव सुंदरता प्यार करती है द मॉन्स्ट्रस बिस्ट दैत्याकार जंगली जानवर को, फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, एंड और हुम सी किस्ड और जिनको वो चुम्मा देती है, हिम उसको ही चेंज्ड वह बदल जाता है इनटू ए हैंडसम प्रिंस, जो दैत्यकार जानवर था उसको ब्यूटी ने जब चुम्मा दिया तो हैंडसम प्रिंस में वो बदल गया। ओनली ही वुडंट इतना ही नहीं, ही हैड हैव स्टेड ही वुड हैव स्टेड मॉन्स्टर्स बेस्ट उसको जंगली जानवर रहना पड़ा। आई वुडंट चेंज देखा ना देखो ओनली ही वुडंट ही हैड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर बेस्ट उसको तो जंगली ही रहना चाहिए था। आई वुडंट चेंज मैं नहीं बदलूंगा मिस्टर लैम इन डैट वे इस तरह से, नो नहीं यू वुडंट तुम बदलोगे। डेरी एंड वन एंड नो वन
एंड नो वन विल किस मी, डर गया कह रहा है मुझे कोई छुम्मा नहीं देगा इवर माने प्राय कभी, ओनली माई मदर केवल मेरी माता, एंड शी किसेज मी वह मुझे छुम्मा देती हैं, एंड अदर साइड ऑफ माई फेस मेरे चेहरे के दूसरी ओर, एंड आई डोंट लाइक माई मदर मैं पसंद नहीं करता हूँ माई मदर टू किस मी मुझे छुम्मा दे, शी डज इट वह इसलिए ऐसा करती हैं बिकॉज क्योंकि शी हैज टू उसको ऐसा करना होता है, दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये उसकी ड्यूटी है। वाई शुड आई लाइक दैट मैं क्यों पसंद करूँ, आई डोंट केयर मैं परवाह नहीं करता हूँ, एफ इफ अगर नो बड़ी ईवर किसेज मी अगर कोई मुझे छुम्मा नहीं दे तो मैं उसे कोई परवाह नहीं करता हूँ। मिस्टर लैम बोले आहा अरे बट डू यू केयर इफ क्या आप ख्याल रखते हो, यू नेवर किस देम तुम उनको किस नहीं करते हो। डेरी वॉट क्या, मिस्टर लैम गर्ल्स लड़कियाँ, प्रेटी गर्ल सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर लंबे बाल वाले, एंड लार्ज आईज बड़ी आँखों वाली, पीपुल यू लव लोग जिन्हें आप प्रेम करते, हु वुड लेट मी मुझे कौन करेगा, नॉट वन कोई भी नहीं, मिस्टर लैम हाउ हु कैन टेल किसको कह सकते हो। डेरी आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट मैं कभी अलग दिखने वाला नहीं हूँ, वैन आई एम एज ओल्ड जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊँगा एज यू जितने आप हो, आई विल लुक द सेम मैं ऐसा ही दिखूँगा, आई शैल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस मेरे उतना ही आधे चेहरे जले हुए व्यक्ति वाला रहूँगा, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस मेरा आधा चेहरा ही रहेगा। मिस्टर लैम सो यू विल जैसी आपकी इच्छा, बट किंतु द वर्ल्ड वुडंट लेकिन संसार नहीं रहेगा, दुनिया वैसी की वैसी नहीं रहेगा, द वर्ल्ड्स गॉट ए होल फेस दुनिया के भी संसार के भी पूरा चेहरा है, एंड द वर्ल्ड्स और दुनिया डेयर टू बी लुक्ड दिखेगी एट उनके जैसी। डेरी डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड क्या आप सोचते हो कि दुनिया है, दिस ओल्ड गार्डन यह पुराना बगीचा, मिस्टर लैम व्हेन आई एम हियर जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन केवल एक ही नहीं, बट किंतु द वर्ल्ड दुनिया एज मस एज इतनी है एनी वेयर कहीं पर भी। डेरी डज योर लेग हर्ट यू क्या आपका पैर आपको चोट पहुँचाता है, हर्ट पहुँचाता है। मिस्टर लैम बोले टीन डजंट हर्ट बॉय टीन का जो पैर है वो मुझे कोई भी हर्ट पहुंचाता नहीं है, मुझे वहाँ से वो कोई किसी प्रकार की हर्ट नहीं पहुंचाता है। डेरी डज योर लेग हर्ट यू क्या आपका पैर है वो दर्द करता है। मिस्टर लैम टीन डजंट हर्ट बॉय ये जो मेरा टूटा हुआ पैर है टीन का पैर है वो मुझे दर्द नहीं करता है। डेरी वैन इट कैम ऑफ डिड इट क्या जब यह दूर हुआ था पैर टूटा था तब दर्द करता था। मिस्टर लैम सर्टेनली निश्चित ही उसमें वो करता था। डेरी एंड नाउ और अब आई मीन मेरा मतलब यह है वेयर द टीन स्टॉप जहाँ टीन का पैर रुकता है पूरा होता है एट द टॉप ऊपर वहाँ आपको दर्द होता है। मिस्टर लैम नाउ अब एंड देन तब आई इन वेट वेदर वेदर माने मौसम गीले मौसम में इट डजेंट सिग्निफाई ये कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है दर्द होने की। डेरी ओहो अरे दैट्स समथिंग एल्स कुछ है दे ऑल से वे सभी कहते हैं लुक देखो एट ऑल दोज पीपुल उन सभी लोगों की ओर हु आर इन द पेन वो दर्द में है एंड ब्रेव और बहादुर है एंड नेवर क्राई कभी चिल्लाते नहीं हैं
एंड नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी, कभी खेद प्रकट नहीं करते हैं फॉर देमसेल्व, अपने आप के लिए। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने ये नहीं कहा है। डेरी, एंड थिंक, और सोचो ना, ऑफ ऑल दोज पीपुल, उन सभी लोगों के बारे में, वर्स बैड की कंपेरेटिव वर्स है, उन सब वर्स ऑफ जो खराब है, देन यू आपसे उनके बारे में सोचो, थिंक सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अंधे हो सकते थे, हो सकते हो, और बॉर्न डिफ, और आप बहरे हो सकते हो, बहरे जन्म हो सकता है, और हैव टू लिव, रहना पड़े आपको इन ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर रहना पड़े, और बी डाफ्ट, पागल होना पड़े, इन योर हेड, तुम्हारे सिर से पागल होना पड़े, एंड ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है लार टपकाना, है ना, और मुंह से लार भी टपक सकती है।